सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड अंतर्गत सतबरवा में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय परिसर में सोमवार को धान क्रय केंद्र खुला, जिसका शुभारंभ बीडीओ राजकिशोर प्रसाद ने की। मौके पर दर्जनों किसानों ने एक लिखित आवेदन सांसद बीडीराम के नाम से सांसद प्रतिनिधि मनीष कुमार को दी। पहला दिन कमारू गांव के किसान सह कृषि मित्र भोला राम ने 21 क्विंटल 60 किलो धान बेचा। इस मौके पर बीडीओ राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि 18 रुपये 68 पैसे प्रति किलो धान की खरीदारी हो रही है और बोनस उनके खाते में जाएगी। कुल मिलाकर टोटल 2050 रुपये प्रति क्विंटल किसानों को मिलेगा। इनसे पूछे जाने पर कि अभी तक एक किसान कितना धान बेच सकता है, तो उन्होंने कहा कि सब बेच सकते हैं, पर धान भी रोकने के लिए अभी एक किसान से 40 क्विंटल ही लिया जाएगा। इससे ज्यादा जांच पड़ताल के बाद ही धान की खरीदी होगी। मौके पर भोलानाथ उपाध्याय, संजय मेहता, कन्हाई प्रसाद, प्रदीप कुमार उपाध्याय समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। यही नहीं, 2 दर्जन किसानों ने एक संयुक्त हस्ताक्षर युक्त आवेदन सांसद बीडी राम के नाम से सतबरवा प्रखंड के सांसद प्रतिनिधि मनीष कुमार को आवेदन देकर कहा कि सभी किसानों का SMS आ चुका है और अब BDO के द्वारा यह कहना कि जांच के बाद ही 40 क्विंटल से ज्यादा किसानों का धान लिया जाएगा, यह गलत है। सतबरवा से बनारसी की रिपोर्ट। प्रखंड में उपायुक्त महोदय के निर्देशन अनुसार धान क्रय केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिसमें प्रति क्विंटल 1868 रुपया का भुगतान किया जाएगा और बाकी सब्सिडी जो है वो उनके खाते में जाएंगे। फिलहाल मिनिमम एक किसान को कितना है यहाँ, मतलब सब मिला के 2050 रुपया। अच्छा अच्छा अच्छा, और एक किसान यहाँ पे कितना धान मतलब दे सकता है सर रजिस्ट्रेशन के अनुसार? तो उनका जो मोबाइल में जो मैसेज आ रहा है उनके अनुसार लिया जाएगा, लेकिन धान ले रोकने के लिए जो उसमें जांच की प्रक्रिया है, बिल्कुल उसका जमीन का हम लोग जाँच कर लेंगे, बिल्कुल सत्यापन करके ही उसका क्रय करेंगे। BDO साहब अभी आए थे, गोडाउन उसी दिन से एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था, अभी बोले कि गोडाउन में एग्रीमेंट करवा दे रहे हैं, आप लोग धान की खरीदी चालू कीजिए, तो धान की खरीदी आज से चालू हो जाएगी। लेकिन वो एक ऑब्जेक्शन कर दिए हैं कि जिनका 100 क्विंटल धान का मैसेज है वो पहले हमसे आके मिलेंगे, तभी उसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद फिर उनकी धान की खरीदी की जाएगी। ऐसे छोटे किसानों को या जिनका 40 क्विंटल तक का है उनका धान परचेज करने के लिए वो आदेश देके गए हैं। यहाँ देखिए, जो क्रय केंद्र खुलने का जो समय था, जब खुलना चाहिए था उस समय खुला नहीं, 10 दिन विलम्ब हो चुकी है और ये सिर्फ गोदाम के ऑब्जेक्शन के चलते गोदाम अलॉट नहीं हो पा रहा था इन लोगों को, जिसके चलते किसान यहाँ आकर के घूम के घर जा रहे हैं और धान बेचने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है यहाँ। जैसे कि अभी BDO साहब हम यहाँ पर थे तो बोल करके गए हैं कि 40 क्विंटल धान ही खरीदना है, 40 क्विंटल से जो ज़्यादा है उसको हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए भेजना पड़ेगा, तो यह किसान के साथ अन्याय हो रहा है। अगर उनको वेरिफिकेशन करना ही था तो इसके पहले वो BDO यहाँ ब्लॉक में थे, इनको सारी बात जानकारी थी, ये पहले भी यहाँ पे सारे किसानों का वेरिफिकेशन करा सकते थे। आज अभी जब खुलने के समय में, जब बहुत मुश्किल से 1 हफ्ता 10 दिन के बाद इनको एक तो समय भी मिला, खोलने की ऑर्डर भी मिला है, और यहाँ पर अब किसान को जो है अलग से एक मुसीबत खड़ा किया जा रहा है। अब ये कैसे वेरिफिकेशन करेंगे अभी हम लोगों को नहीं पता, पर अगर वेरिफिकेशन करना था तो ये कैंप लगा करके पहले करते, और जो भी रजिस्ट्रेशन हुआ है इनके कर्मचारी के रिपोर्ट के बाद ही हुआ है। कर्मचारी पहले ज़मीन का वेरिफिकेशन किए, इसके बाद वो वहाँ से इस पेपर को आगे बढ़ाए, CI उसको अनुमोदित किए, CO किए, इसके बाद ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसके बाद भी अगर इनको लगता है कि हमारे पीछे वाले जो CO हैं, CI हैं या कर्मचारी हैं गलत किए हैं, तो पहले वहाँ उनको जाँच करें,